दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में कई ऐसे खिलाड़ी हुए हैं जिन्होंने अपने प्रोफेशनल जीवन से ज़्यादा अपने निजी जीवन को लेकर सुर्खियां बटोरी है। इसका कारण इन क्रिकेटर्स का बॉलीवुड इंडस्ट्री की कई अभिनेत्रियों के साथ प्रेम संबंध होना है, इसलिए कई क्रिकेटर्स ने लाइमलाइट में रहते हुए खूब सुर्खियाँ बटोरी। तो दोस्तों, इसमें सिर्फ भारतीय क्रिकेटर नहीं, दूसरे देश के क्रिकेटर्स भी रहे हैं जिनका नाम बॉलीवुड अभिनेत्रियों के साथ जुड़ा है। इसमें से कुछ का प्यार सफल हुआ तो कुछ आधे रास्ते में ही खत्म हो गया। तो दोस्तों, कौन कौन से हैं वो क्रिकेटर, ये जानने के लिए आप बने रहिए हमारे इस वीडियो के अंत तक। नंबर एक पर है शोएब अख्तर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी शोएब अख्तर के जीवन का एक दौर वो भी आया था जब वो बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे के प्यार में पागल हो गए थे। हालांकि उनका ये प्यार एक तरफा ही था और सोनाली बेंद्रे को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन शोएब अख्तर सोनाली बेंद्रे को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे, इसलिए उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये तक कह दिया था कि वो सोनाली बेंद्रे को पाने के लिए उसका अपहरण भी कर लेंगे। लेकिन अफसोस कि शोएब अख्तर का ये प्यार कभी पूरा नहीं हो पाया और उन्होंने साल 2014 में रुबाब खान से शादी कर ली। नंबर दो पर है रोहित शर्मा। भारतीय क्रिकेट टीम के महान बल्लेबाज रोहित शर्मा भी उन क्रिकेटरों में से एक हैं जिनका दिल बॉलीवुड इंडस्ट्री की खूबसूरत अभिनेत्री पर था, और ये अभिनेत्री कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री की खूबसूरत अभिनेत्री सोफिया हयात थी। बिग बॉस सीजन 7 में दिखाई दी सोफिया और रोहित शर्मा लगभग एक साल तक रिलेशनशिप में रहे। दोनों पहली बार लंदन के क्लब में मिले थे। हालांकि रोहित शर्मा ने इस प्यार को हमेशा एक दोस्ती ही कहा। बाद में दोनों का रिश्ता टूट गया और दोनों अलग हो गए। वहीं नंबर तीन पर है सौरभ गांगुली। भारतीय क्रिकेट टीम में सफलतम कप्तान में से एक सौरभ गांगुली ने भी 1999 के विश्व कप के दौरान बॉलीवुड इंडस्ट्री की खूबसूरत अभिनेत्री नगमा को अपना दिल दे दिया। दोनों के प्यार की खबरों ने उस समय खूब सुर्खियां बटोरी थी। बताया जाता है कि दो साल तक दोनों का अफेयर भी चला, लेकिन बाद में सौरभ गांगुली और नगमा का रिश्ता टूट गया और सौरभ गांगुली ने डोना रॉय से शादी कर ली। वही नंबर चार पर है वसीम अकरम। पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी वसीम अकरम ने बॉलीवुड इंडस्ट्री की खूबसूरत अभिनेत्री को अपना दिल दिया था। इस अभिनेत्री का नाम था सुष्मिता सेन। दोस्तों, दोनों पहली बार टीवी रियलिटी शो के दौरान मिले थे। उस दौरान दोनों के अफेयर की काफ़ी खबरें सामने आई थी, यहाँ तक कि उनकी शादी की अफवाहों ने भी काफ़ी गति पकड़ ली थी। कुछ सालों के बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया और इसके बाद साल 1995 में वसीम अकरम ने हुमा से शादी कर ली। दोस्तों, उनकी पहली पत्नी हुमा की साल 2009 में मौत हो गई। इसके बाद साल 2013 में वसीम अकरम ने थॉम्पसन के साथ शादी कर ली। नंबर पाँच पर है युवराज सिंह। भारतीय क्रिकेट टीम से सिक्सर किंग यानी कि युवराज सिंह भी एक खूबसूरत अभिनेत्री अपना दिल दे बैठे थे, और वो कोई और नहीं बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण थी। दोस्तों, दीपिका को कई बार युवराज सिंह के लिए चीयर करते देखा गया था, साथ ही दोनों को कई स्थानों पर स्पॉट भी किया गया था। खबरें सामने आई थी कि जल्द ही दोनों शादी कर लेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया। इसके बाद युवराज ने साल 2016 में हेजल किच से शादी कर ली। नंबर छह पर है हार्दिक पांड्या। अपने दमदार चौकों से लाखों लोगों के दिल पर राज करने वाले मशहूर क्रिकेटर हार्दिक पांड्या भी एक समय में अभिनेत्री एली अब्राम के साथ रिश्ते में थे। दोनों की नजदीकियां हार्दिक पांड्या के भाई कुणाल पांड्या की शादी के दौरान बढ़ी थी, लेकिन दोनों का प्यार लंबे समय तक नहीं चला और कुछ समय बाद दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। इसके बाद अभिनेत्री नताशा स्टैनकोविक हार्दिक पांड्या के जीवन में आई और फिर दोनों ने शादी कर ली। वहीं नंबर सात पर नाम आता है महेंद्र सिंह धोनी का। भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे चहेते क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी यानी कि एमएस धोनी भी एक समय में अभिनेत्री के प्यार में पागल हो गए थे। एक्ट्रेस का नाम था राजलक्ष्मी। दोनों के लिंकअप की खबरों ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थी, लेकिन उनका प्यार उन्हें कभी नहीं मिला, जिसके बाद एमएस धोनी ने साल 2010 में साक्षी धोनी से शादी कर ली और आज वो अपनी पत्नी के साथ बहुत ही खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही क्रिकेट जगत से जुड़ी ऐसी ही और खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।